शिवसेना बीजेपी के साथ घटक दलों की बैठक जो जारी थी वो खत्म हो चुकी है। घटक दलों को बात करने से इनकार है। शाम 6 बजे के आसपास घटक दलों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। नयन कार्यकर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से ज्यादा जानकारी देंगी। नयन, क्या इनपुट मिल रहा है इस बैठक को लेकर? जी देखिए, जैसे घटक दल बाहर आए उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, यानी कि उन्होंने किसी ने भी मीडिया से बात करने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरह से उनका रवैया देखा गया है, ये वो देखकर यही लग रहा है कि कोई भी नतीजा निकल कर नहीं आया है। शिवसेना बीजेपी ने पहले घटक दलों को 18 सीटें दी थी और अब उन्हें कम करके पूरी 7 सीटें देने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है घटक दलों के सामने, जो उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने मीटिंग की थी शिवसेना बीजेपी के साथ, उनकी लगातार मीटिंग चालू है और उनका कहना है कि कम से कम जो 18 सीटें पहले हमें दी गई थी उतनी तो दी जाए और 7 सीटें। बिल्कुल नयन, जिस तरह से आप तमाम इनपुट्स दे रही हैं, घटक दलों के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही, यानी कि जो बैठक है वो बेनतीजा खत्म हुई है। इशारा इस तरफ की बात नहीं बन सकी और पीसी का इंतजार, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बेनतीजा रही होगी ये बैठक और 6 बजे आज जब घटक दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें ये खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि महादेव जानकर है और साथ ही विनायक मेटे है, उन्होंने कल ही कहा था कि हमने आज तक का अल्टीमेटम दिया है शिवसेना बीजेपी को, अगर वो कोई अंतिम निर्णय नहीं लेते हैं और रिस्पेक्टफुली आदर के साथ अगर उनको उनकी सीटें नहीं देते हैं तो वो महायुति से, मतलब उनके पूरे गठबंधन से बाहर निकलेंगे। और बहुत शुक्रिया नयन कार्यकर हमारे साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर तमाम इनपुट्स दे रही थी। बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। शाम 6 बजे घटक दलों की पीसी का इंतजार।